चलो खाना भी रेडी हो गया। ये बिटवा अभी तक नहा कर नहीं आया। बिटवा नहा गया क्या? नहा गया ग्रैनी। खोल बिटवा जल्दी दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ ग्रैंडपा? बहुत जोर की लगी है, पेंट में ही निकल जाएगी, जल्दी दरवाजा खोल। ग्रैंडपा कम से कम चैन से नहाने तो दिया करो। ग्रैनी बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बन गया क्या? बिटवा खाना रेडी है, ग्रैंडपा को आने दे, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है ग्रैनी। चलो अब जल्दी से हल्का हो जाता हूँ। ओह नो, अरे ये क्या है? बचाओ! अरे ग्रैंडपा को क्या हुआ? बाबू इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? जाना कमोड से अचानक से एक मुंडी बाहर आ गई थी और वो गाना गाने लगी। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। चलो चलो तुम भी चलकर देखो, पता नहीं वो क्या था। कमोड से एक मुंडी बाहर आई और वो गाना गाने लगी। अरे जानू तुम क्या बातें कर रहे हो? अब क्या तूने दिन में भी चढ़ानी शुरू कर दिया है? हरकतें ठीक ना इस बुढ़ो की। ग्रैनी चलो हम भी जाकर देखते हैं कि टॉयलेट में कौन गाना गा रहा है। चलो चलो तुम भी अपनी आंखों से देख लो, तभी तुम्हें यकीन होगा। ग्रैंडपा यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, कमोड से ही बाहर निकला था, पता नहीं कहाँ चला गया। उन्होंने हमारा भी टाइम खराब कर दिया। ये भ्रम कैसे हो सकता है? मैंने तो उसको सचमुच अपनी आंखों से देखा था। ओह नो! बचाओ! यही था बेबी, पहले भी यही था। ये कौन है? ग्रैनी वो कौन था जो अचानक से टॉयलेट से बाहर आ गया? बिटवा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये कौन है? वही तो ग्रैनी। कहीं ये स्लेंडरीना की चाल तो नहीं, उसने इसे हमारे पीछे लगाया होगा। ओह नो ग्रैनी, एक तो आपने इतने सारे लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है, पता नहीं किसने हमारे पीछे ये लगाया होगा। क्या बोला? मतलब आपकी किसी दुश्मन की चाल लगती है मुझे। हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी, जब मैं तुम लोगों को बताने आया था तब तो तुम लोगों ने मेरी खूब खिल्ली उड़ाई थी, अब तो हो गया ना विश्वास। सॉरी ग्रैंडपा, एक तो आप इतना झूठ बोलते हो, आप पे कौन विश्वास करेगा? क्या बोला? मेरा मतलब है आप ही बताओ, किसी को हम बताते कि कमोड के अंदर से किसी का सर बाहर आ रहा है और वो गाना गा रहा है तो कोई कैसे विश्वास करेगा? तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है बिटवा। ग्रैनी मुझे तो यहाँ पे रहने में डर लग रहा है, और अगर हमें वॉशरूम यूज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? बिटवा एक काम करते हैं, जल्दी से अपना सामान समेट के नए घर चलते हैं। यही सही रहेगा जाना, चलो चलो निकलते हैं। हाँ ग्रैनी ग्रैंडपा जल्दी करो। चलो चलो चलो। थैंक गॉड हम यहाँ आ गए। ग्रैनी हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। वो जो भी होगा उस घर तक ही रहेगा, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेबी। ग्रैनी वो कितना फनी था ना, अचानक से कमोड से बाहर आया और गाना शुरू हो गया। मैं उससे कुछ डरा वरा नहीं था, मैं तो तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। तुम दोनों तो एक नंबर के डरपोक निकले, डरपोक। बुढ़ाओ तू तो चूहा छिपकली देखकर भी डर जावे है और बहादुरी की बातें कर रहा है। ओह नो बिटवा, डरी तो मैं नहीं थी, डर तो तुम दोनों गए थे, एकदम थर थर कांप रहे थे। वो तो तुम दोनों डर रहे थे, इस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। बुढ़ाओ तो बुढ़ाओ, ग्रैनी भी फेंकने में किसी से कम नहीं। करेक्ट। अब मस्त सा खाना बनाती हूँ, फिर मिलकर नई मूवी देखेंगे। ओके ग्रैनी। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी आप लोगन तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? That's correct. वो क्या हुआ मगरू भाई कि मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ना, उस बात को लेकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। ऐसा का हो गया भैया जी? वो हुआ यूं कि ग्रैंडपा टॉयलेट में गए थे, अचानक से कमोड के अंदर से एक सर बाहर आया और गाने लगा। अच्छा? यही नहीं, मुंडी घुमाने लगा और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। हमको आपकी बात पे काहे विश्वास नहीं होगा भैया जी, ये बारे में तो हमको हमारी गर्लफ्रेंड भी बताए रही। उस शैतान का नाम स्किबिडी टॉयलेट है, पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा है। ओह नो क्या
इसका मतलब सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, बाकी लोगों के घर में भी हमला हुआ है। चलो फ्रेश हो जाती हूँ। अरे कैसी आवाज है? Oh no! बेटवा बचाओ! क्या हुआ ग्रैनी? चलता हूँ मगरू भाई, ग्रैनी बुला रही है। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। क्या हुआ ग्रैनी, अब इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? बेटवा मैं फ्रेश होने गई थी तो मैंने देखा कि कमोड में से एक मुंडी बाहर आई। क्या? अरे बेटवा वो यहाँ भी पहुंच गया। ग्रैनी हम ऐसे अकेले नहीं है, कई सारे लोगों के घर में ही आ चुका है। क्या? अब हम इसे कैसे बचेंगे? बेटवा अब हमें संभल के रहना होगा, कहीं हम इसका शिकार ना बन जाएं। Oh no! कहाँ उसे बच के यहाँ आए थे, वो तो यहाँ भी पहुंच गया। हाँ बिटवा, तेरे ग्रैंडपा का तो थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉयलेट जाने की आदत है, अब ये कहाँ जाएंगे? जाना बहुत जोर की लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? बाबू तुम ऐसा करो, बंगले के पीछे चले जाओ। हाँ ग्रैंडपा, ग्रैनी बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है मैं जाता हूँ और हल्का होकर आता हूँ। अरे ग्रैंडपा क्यों चिल्लाए? चल बेटो जाकर देखते हैं ग्रैंडपा चिल्ला क्यों रहे हैं। हाँ चलो। अरे क्या हुआ, ग्रैंडपा क्यों चिल्ला रहे थे? तुम लोग खुद ही देख लो। अरे कमर से यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इतना बड़ा स्किमिंग टॉयलेट। बेटवा अब हम इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे? ग्रैनी टेंशन मत लो, बड़े से बड़े शैतान की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, इस कीबीडी टॉयलेट की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। तूने सही कहा बेटवा, लेकिन इसकी कमजोरी कैसे पता चलेगी? वही तो पता लगाना है ग्रैंडपा। आप लोग यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। बेटवा अपना ख्याल रखना। ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बिटवा? आप दोनों को उस स्किबिडी टॉयलेट का ध्यान भटकाना होगा। है? ध्यान भटकाना है? टेंशन मत ले बिटवा, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। आगे क्या करना है वो आप लोग मुझ पे छोड़ दो। स्किबिडी तेरी ऐसी तैसी। मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा तेरी बैंड। ऐ उधर क्या देख रहा है, इधर देख। बिटवा तूने तो कमाल कर दिया। हमारा बिटवा तो है ही लाजवाब, बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें बचा लेता है। मैंने अपना दिमाग लगाया, ये स्किबिडी टॉयलेट है तो क्यों ना इसका फ्लश दबाया जाए। और फ्लश दबाते ही वो फ्लश हो गया। ग्रैनी ये स्किबिडी टॉयलेट चला गया है फिर भी उसका गाना क्यों सुनाई दे रहा है? हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। हाँ बिटवा गाना तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। नहीं।
Hi guys, I hope आपको स्कीबिडी टॉयलेट और ग्रैनी को साथ में देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप भी स्कीबिडी टॉयलेट से मिलना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।